हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फेस। सो आज बात करते हैं 2021 स्लॉट वन की सेकंड पजल की। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ टैबुलर डीआई। तो जो हमने पिछला डीआई डिस्कस किया था वो हमारा बार ग्राफ था और ये हमारा टेबल बेस्ड है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। मतलब वो डीआई में एक्चुअली नंबर बेस्ड था, ये डीआई हमारा नंबर बेस्ड नहीं है। इसमें हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस वी हैव टू फिल दैट इन्फॉर्मेशन। पर ट्रस्ट मी, ये वाली पज़ल भी बहुत आसान है। तो अगर 2021 स्लॉट वन में किसी ने ये दो पज़ल्स जो मैंने फर्स्ट लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक ऑलरेडी आई बटन पर आ रखा होगा, वो और ये वाली पज़ल पिक कर ली होगी, ये वाली पज़ल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, ये 6 क्वेश्चंस की है एंड अर्लियर वन वाज ऑफ 4 क्वेश्चंस। तो अगर ये 10 क्वेश्चंस विच इज 30 मार्क्स, यू आर 99% टाइलर इन एलआरडीआई सेक्शन। तो देखते हैं कितनी आसान पजल है, एक्चुअल में इतनी आसान है भी जितना मैं कह रही हूँ या फिर ऐसे ही मैं कह रही हूँ, देखते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आर सेकंड पजल, जिसमें क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 फ्रेंड्स हैं और इनमें से कोई भी पेयर आपस में या तो स्ट्रेंजर्स हो सकता है, एक्विंटेंस हो सकता है या फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऑल द रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं भी समझ रहा था तो कैट बहुत अच्छी चीज़ करता है जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ बी, देन बी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल। ठीक है, कि अगर आपका कोई दोस्त है तो वो भी आपका दोस्त है। सिमिलरली स्ट्रेंजर के केस में भी यही है एंड एक्विंटेंस के केस में भी यही है। अगर कोई किसी का एक्विंटेंस है तो दूसरा भी उसका एक्विंटेंस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इसलिए क्लियर कर देते हैं क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया मैं तेरा फ्रेंड हूँ, तू मेरा फ्रेंड नहीं है। कि तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए बोला गया है कि अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड कहा जाएगा। ठीक है, फिर एक ही कुछ टेबल दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि ए के कितने फ्रेंड्स हैं, कितने एक्विंटेंस हैं और कितने नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स हैं, सिमिलरली बी सी डी एफ जी के, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो पहले तो किसी भी प्रॉब्लम में या किसी पजल में ये ढूंढिए कि आपको पूछा क्या है, क्या क्वेश्चंस हैं एंड आपको निकालना क्या है। फिर ये देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है, तो दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप कैसे निकाल सकते हैं चीज़ों को, वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं ये फैक्ट्स पढूं जिसमें बोल रहा है ए बी सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, ये कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एक्विंटेंस है, तो इससे समझ आ रहा है बेसिकली हमें हर बंदे का ये पता लगाना है कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं, कितने स्ट्रेंजर्स, कितने एक्विंटेंस हैं एंड वो बंदे कौन कौन हैं, हमें ये सब इन्फॉर्मेशन पता लगानी है। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, देखते हैं कैसे वो इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। देखिए ये चीज़ समझिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये लोग 7 लोग हैं। ठीक है, तो अगर ए का रिलेशन मुझे बाकियों से निकालना है तो वो बाकी 6 लोगों से निकालना है। सिमिलरली बी का भी 6 से आएगा, सी का भी एंड अप टू जी तक का, तो हर बंदे का 6 बंदों से रिलेशन निकालना है। तो किसी भी रो में जो टोटल डेटा होगा वो 6 का डेटा बनना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे अगर मैं ए का रो देखूं तो एक ही रो में एक्विंटेंस 1 दिया हुआ है, स्ट्रेंजर 4 दिए हुए हैं, तो ये टोटल्स हम ऑलरेडी 5 हो रहा है, तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी हमारा 1 होगा सो दैट टोटल्स हमारा 6 हो सके। तो ये नंबर भी पता लगाने हैं और वो बंदों के नाम भी आपने पता लगाने हैं। ठीक है, अगर मैं जी का देखूं तो जी का भी 3 और 2 5, तो रिमेनिंग 1 वुड बी हेयर। बाकियों की मैं इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगा सकती बिकॉज मुझे एक एक ही कॉलम में एंट्री दी हुई है, किसी 2 में एंट्री दी हुई होती तो मैं इजीली पता लगा लेती। ठीक है, वो अब हम बाकी आगे से देखते हैं। कह रहा है ए बी सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, दिस म्यूचुअल वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। म्यूचुअल का मतलब है तीनों का बोला है आपस में, विच मीन्स ए क्या बी एंड सी स्ट्रेंजर्स हैं, बी का ए एंड सी स्ट्रेंजर है एंड सी के ए एंड बी स्ट्रेंजर है, तभी ये तीनों बंदे आपस में म्यूचुअल कहलाएंगे। राइट, तो इन स्ट्रेंजर्स के आगे मैं इनके नाम भी लिख देती हूँ। जैसे नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स में ए के आगे 4 में से बी सी 2 मिल गए हमें। ठीक है, सिमिलरली बी के भी हमें ए एंड सी मिल गया एंड सी के भी हमें ए एंड बी मिल गया। ओके, अब आगे कह रहा है ए डी एफ आर ईज फ्रेंड, ये जो तीनों है ये ई के फ्रेंड है। अब यहाँ पे याद रखना, पहली इंस्ट्रक्शन से, फर्स्ट पॉइंट से कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर म्यूचुअल शब्द था, यहाँ म्यूचुअल नहीं है। कह रहा है ये तीनों ई के फ्रेंड हैं, आपस में है कि नहीं है ये अभी नहीं पता। ठीक है, तो ए ई का फ्रेंड है, तो अगर ए ई का फ्रेंड है तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स में यहाँ पर ई का नाम आ जाएगा एंड आपस में ये म्यूचुअल होंगे। अगर ए ई का फ्रेंड है तो ई भी ए का फ्रेंड होगा। राइट, तो ई के में ए का नाम आ जाएगा। सिमिलरली डी के में ई का नाम और ई के में
डी का नाम, एंड एफ और ई भी फ्रेंड्स हैं, एफ के में ई का नाम और ई के में एफ का नाम। ये समझ आ रहा है आपको? ये आपस में ए डी फ्रेंड्स है कि नहीं है, ए एफ फ्रेंड्स है कि नहीं है, ये नहीं पता, लेकिन ए ई का फ्रेंड है तो ई बी ए का फ्रेंड होगा, इस हिसाब से हम कर रहे हैं। आगे कह रहा है थर्ड पॉइंट में, सी एंड जी आर फ्रेंड्स, तो सी और जी फ्रेंड्स हैं, तो सी के में फ्रेंड्स में जी आ जाएगा यहाँ पर, एंड जी के में फ्रेंड्स आ जाएगा सी। तो जी का एक ही फ्रेंड था वो हमें मिल गया सी, एफ का एक फ्रेंड था ई, वो हमें मिल गया, ठीक है, एंड ए का भी एक फ्रेंड हमें मिल चुका है। आगे कह रहा है एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज़ एन एक्विंटेंस ऑफ बी, ए का जो भी फ्रेंड होगा, और ए का फ्रेंड कौन है, ई, वो बी का एक्विंटेंस है, तो यानी बी के एक्विंटेंस में ई के नाम आ जाएगा, एंड एवरी एक्विंटेंस ऑफ बी इज़ अ फ्रेंड ऑफ ए, एंड बी का जो भी एक्विंटेंस होगा वो ए का फ्रेंड होगा, तो यानी ये दोनों सेल बराबर वैल्यू देंगे। तो अगर यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी वन होगा, राइट। अब फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है एवरी फ्रेंड ऑफ बी इज एन एक्विंटेंस ऑफ ए, बी का जो भी फ्रेंड होगा वो ए का एक्विंटेंस होगा, एंड एवरी एक्विंटेंस ऑफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, तो ये दोनों सेल बराबर होंगे। जैसे फोर्थ इंस्ट्रक्शन थी ऐसे ही फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है, तो ये दोनों सेल बराबर है, ये दोनों सेल बराबर है, तो अगर यहाँ वन है तो यहाँ भी वन हुआ, एंड इफ इधर वन है तो इधर भी वन होगा। तो बी के में वन फ्रेंड है, वन एक्विंटेंस है, एंड टोटल काउंट सिक्स करना है तो नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स वुड बी फोर। तो ए एंड बी का डेटा पूरा सेम रहेगा नंबर के केस में, ठीक है, नाम के केस में सेम नहीं होगा, नंबर के केस में सेम होगा। तो इंस्ट्रक्शन तो पाँच दी हुई हैं, यहाँ तक हम ऑलरेडी मैप कर चुके हैं जितना उसने दिया हुआ है। अब इसके बाद कैसे अप्रोच करनी है, इसके बाद हमें देखना है कि केस क्या क्या बन सकते हैं, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम हमारी तरफ से निकाल सकते हैं। ये तो जो उसने अपफ्रंट इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने फिल कर ली है, अब इसमें जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें निकालनी होती है, जैसे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स यहाँ पर क्या क्या बन सकते हैं, या नंबर ऑफ एक्विंटेंस क्या क्या आ सकते हैं। उसके लिए देखिए अभी ए में कितनी एंट्री होनी बाकी है, ए में ए का नाम तो आएगा नहीं, बी की एंट्री हो गई, सी की एंट्री हो गई, डी बचा है, ई की एंट्री हो गई, एफ बचा है, एंड जी बचा है। तो डी एफ जी में से एक एंट्री एक्विंटेंस में जाएगी और दो एंट्री स्ट्रेंजर्स में जाएगी, राइट। अब स्ट्रेंजर्स तो क्योंकि दो हैं तो यहाँ पे वर्कआउट करने में केस ज़्यादा बन सकता है, तो एक्विंटेंस पे वर्क करते हैं, एंड एक्विंटेंस का केस हम यहाँ से क्रॉस मैपिंग करेंगे। तो अगर मैंने F को एक्विंटेंस मान लिया, मैंने एग्जाम्पल मैंने लेट किया कि F यहाँ पर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी जाएगा, ये वाली एंट्री यहाँ भी होगी, विच मीन्स वो F B का फ्रेंड हुआ, तो अगर B का फ्रेंड F हुआ तो F में भी B की एंट्री जानी चाहिए, बट F का तो एक ही फ्रेंड है और उसकी एंट्री ऑलरेडी फिल हो चुकी है, विच मीन्स मेरी अजम्पशन गलत है। सिमिलरली G, अगर मैं G को भी एक्विंटेंस में यहाँ पर मानती हूँ तो वो G इधर भी जाएगा B का फ्रेंड बन के, और अगर B का फ्रेंड बना तो G में भी B की एंट्री जानी चाहिए, बट G में एक ही फ्रेंड है और वो C है, वो ऑलरेडी मैप हो चुका है। इसका मतलब ये है कि F और G दोनों ही A के एक्विंटेंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक्विंटेंस में रहती हूँ तो वो बी के फ्रेंड होंगे, एंड बी के फ्रेंड है तो म्यूचुअल फ्रेंडशिप दिखाने के लिए वो मेरा डेटा फिट इन नहीं होगा, इसीलिए एक्विंटेंस में मुझे डी को लेना पड़ेगा, एंड एफ एंड जी ए के स्ट्रेंजर्स में चले जाएंगे। ये चीज़ समझ आ रही है आपको? जो भी पॉइंट ना समझ आए प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर द डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स में नेम ऑफ स्ट्रेंजर्स में एफ एन जी चला जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, एफ दिस वुड बी एफ एन जी, एंड यहाँ से एफ जी काट दिया मैंने, और यहाँ पे एंट्री जाएगी डी की, ठीक है। तो ए का एक्विंटेंस डी हुआ तो बी का फ्रेंड भी डी हो जाएगा, ये क्लियर है। अब बी का फ्रेंड डी हुआ तो डी का फ्रेंड भी बी होगा, तो यहाँ पर कॉमा करके मैंने ये एंट्री कर दी, ठीक है। अब ये एक्विंटेंस वाली जो चीज़ है ए का, ये भी चीज़ मैप कर देते हैं, अगर ए का स्ट्रेंजर एफ है तो एफ का स्ट्रेंजर भी ए हुआ, सिमिलरली अगर ए का स्ट्रेंजर जी है तो जी का स्ट्रेंजर भी ए हुआ, ठीक है। अब बी पर आते हैं, बी का डेटा पूरा कर लेते हैं, बी का एक फ्रेंड पूरा है, एक एक्विंटेंस पूरा है, चार स्ट्रेंजर की बात करते हैं। चार स्ट्रेंजर में ए आ गया, बी आ नहीं सकता, सी डन, डी डन, ई डन, एफ एन जी बचे, तो एफ एन जी दोनों इधर आ जाएंगे, राइट। अब एफ एन जी आ गए तो एफ एन जी में भी एंट्री कीजिए बी की, एफ में एंट्री बी की हो गई, जी में भी एंट्री बी की हो गई, राइट।
अब जी वाली रो देखिए, जी वाली रो में एक फ्रेंड हो गया, दो स्ट्रेंजर हो गए, तो बाकी के बचे जो तीन हैं वो एक्विंटेंस में चले जाएंगे। और तीन कौन कौन बच गए हैं, ए बी सी डन, तो डी ई एफ, राइट। अब डी ई एफ एक्विंटेंस में चले गए, तो डी के रो में एक्विंटेंस में ई लिखिए, ई में भी सॉरी डी के रो में यहाँ पे जी आएगा, जी, ठीक है, ई में भी जी आएगा एंड एफ में भी जी आएगा, राइट। तो ये हमारा डेटा यहाँ मैप हो गया। अच्छा, हम यहाँ पर एक डेटा मैप करना भूल गए, ये हमने ए का डी मैप किया था, तो डी के में ए भी मैप करना है अभी अपने को, ठीक है। अब देखिए डी का डेटा देखिए, डी में दो फ्रेंड्स आ गए, दो एक्विंटेंस आ गए, चार बंदे, और दो वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि स्ट्रेंजर में जाएंगे, तो जो ऑब्वियसली बचे हुए बंदे ही स्ट्रेंजर में जाएंगे। तो डी के स्ट्रेंजर्स कौन बच गए, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी वो खुद ही है, ई एंड देन एफ, राइट। जी की एंट्री ऑलरेडी है, तो सी और एफ जो है वो डी के स्ट्रेंजर्स हो गए। तो अब सी में भी एंट्री कर दूँ स्ट्रेंजर्स में डी की, एंड एफ में भी एंट्री कर दूँ स्ट्रेंजर्स में डी की, राइट। एक एंट्री हम यहाँ पर भी करना रह भूल गए हैं, यहाँ पर देखिए बी का ई एक्विंटेंस है, तो ई में बी की एंट्री जाएगी। तो तीन बंदे ई में यहाँ आ गए, दो बंदे यहाँ आ गए, तो बचा हुआ एक बंदा इधर जाएगा, तो ए बी सी, तो सी वो बंदा होगा, डी ई वो खुद ही है, एफ एन जी सारा डेटा फिल हो गया, ठीक है। तो अब सी में ई की एंट्री जाएगी, तो सी में ई की एंट्री चले गई। अब देखिए सी की रो देखिए, सी की रो में एक एंट्री यहाँ है, चार एंट्री यहाँ है, पांच, और छठी एंट्री मेरी यहाँ आएगी, तो वो बंदा कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ, एफ बंदा बचा है। तो हमारी अब ई की एंट्री भी पूरी हो गई है यहाँ पर हमारा, एंड सी में सी की एंट्री भी पूरी हो गई है। अब सी में हम ऑलरेडी एक्विंटेंस में अगर एफ को लिख चुके हैं, तो एफ में भी सी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो F की एंट्री देखिए, तीन और दो पाँच और एक छः, ये भी पूरी हो गई, एंड G की एंट्री भी। तो अब हमारे पास सारा डेटा पूरा हो चुका है, ये सारे एक्विंटेंस स्ट्रेंजर एंड फ्रेंड्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट विल आंसर द क्वेश्चंस, लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु आर G's एक्विंटेंसेस, G के एक्विंटेंस कौन कौन से हैं। ओके, देखते हैं, G के एक्विंटेंस हमारे आए थे डी ई एफ, तो डी ई एफ वुड बी आर आंसर, डी ई एफ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दीज पेयर शेयर द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी एंड ई, तो उनका रिलेशन एंड एफ एंड जी, इनका रिलेशन सेम होना चाहिए। तो देखते हैं किस ऑप्शन को हमारा मैच करता है, क्या बी ई एंड एफ जी का रिलेशन सेम है, बी ई, बी और ई इक्विंटेंस है, एफ एंड जी भी एक्विंटेंस हैं। देखिए बी और ई एक्विंटेंस आ रहे हैं एंड एफ एंड जी भी आपस में एक्विंटेंस हैं, तो येस दिस रिलेशन इज सेम, तो ए ऑप्शन इज माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए का एक्विंटेंस कौन है, देखते हैं फटाफट से, ए का एक्विंटेंस है डी, तो डी वुड बी माई आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एन एक्विंटेंस ऑफ सी, सी का एक्विंटेंस कौन है, सी का एक्विंटेंस है हमारा एफ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं सीधे सीधे, ए ऑप्शन वुड बी माई आंसर। छः क्वेश्चंस की पजल है और इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर अपने 10 मिनट लेकर के इसको सॉल्व भी कर रहे हैं तो 10 मिनट 12 मिनट बहुत सही है। 12 मिनट इसके फर्स्ट पजल जो हमने पहले डिस्कस की थी उसके 5-7-8 मिनट ले लो, 20 मिनट में दो पजल आप कर पा रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ई हैव, ई के कितने फ्रेंड्स आए थे, ई के फ्रेंड्स आए हैं 3, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो 3 वुड बी माई आंसर। बस पूरी पजल में थोड़ा सा स्लाइटली जो ट्वीक करा है क्वेश्चन को, वो लास्ट क्वेश्चन है, वो भी ट्वीक करा है, कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। हाउ मेनी पीपल आर ईदर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ ई, कह रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो ई के फ्रेंड है या ई के फ्रेंड है, ठीक है। तो सिर्फ आपको नंबर बताना है, तो ई के फ्रेंड तो 3 आए थे हमारे, तो अब उसके फ्रेंड के फ्रेंड भी उसमें काउंटर कर देंगे, तो ई के फ्रेंड 3 है, ए डी एफ। अब ए डी एफ में डेटा देखना है कि ए के कौन फ्रेंड है, ए का फ्रेंड तो ई है, तो ए का फ्रेंड ई है, तो ई के केस में ई को ही कंसिडर तो करेंगे नहीं, ठीक है। डी का फ्रेंड ई भी और बी भी है, तो ई की एंट्री तो लेंगे नहीं, बट बी की एंट्री ज़रूर कंसिडर करेंगे, तो 3 और 1 4, 3 फ्रेंड्स तो ई के हैं ही, और चौथा फ्रेंड जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, एंड एफ का फ्रेंड भी ई है, ठीक है। तो बेसिकली 3 ये हो गए, 2 बार ई कॉमन है हमारा, ए में भी, डी में भी एंड एफ में भी, ठीक है, 3 बार कॉमन है, एंड डी में एक बी की एंट्री एक्स्ट्रा है,
तो तीन और एक चार डेटा हमारे पास, आंसर वुड बी आर फोर, ईदर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड ऑफ ई। इसमें ई की एंट्री काउंट मत कर लेना कि भैया ई भी तो आ रहा है तो ई को भी काउंट करिए, ई का ही क्वेश्चन है तो ई को काउंट नहीं कर सकते। अगर आप ई को काउंट करते तो आंसर वुड बी चार ये और तीन बार ई की एंट्री आई है तो सात होना चाहिए था, जो हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अगर टीटा भी होता तो भी कन्फ्यूज मत होइए इस क्वेश्चन पर। चलिए, तो ये थी हमारी 2021 स्लॉट वन की सेकेंड ईजी पजल। तो अगर आपको डिफिकल्ट लग गया किसी पॉइंट पर आप अटके हैं तो डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड आपको किस और टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना है, आपको क्या क्वेरीज आती है, क्या दिमाग में चलता है, वो प्लीज़ हमें बताइए सो दैट हम आपकी हेल्प कर सकें। ऐसे ही और वीडियोस के साथ और सॉल्यूशंस के साथ हम आएंगे। टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ, बाय बाय एंड